Hello? Hello? Sunathi? Hello? जानते हो अब बचपन में मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया था कि इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है। मैंने जवाब दिया, आंखें, क्योंकि अगर आंखें ना हो तो हम देख ही नहीं सकते। माँ ने कहा गलत। कुछ सालों बाद माँ ने सवाल फिर किया, मेरा जवाब था दिमाग, क्योंकि अगर दिमाग ना हो तो हम सोच ही नहीं सकते। उस वक्त भी मेरा जवाब गलत था। माँ ये सवाल मुझसे करती गई, मैं कभी कहता हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा दिल, लेकिन हर वक्त जवाब गलत ही होता। फिर मेरे पिताजी गुजर गए। अभय, माँ ने उस दिन भी मुझसे यही सवाल किया और मैं हैरान हो गया कि ऐसे नाजुक मौके पर माँ ये सवाल क्यों कर रही है। माँ बहुत दुखी थी, मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर अपना सर रख के रोने लगी। अभय, उस वक्त, उस पल, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका कंधा, जिस पर सर रखकर कोई अपना रो सकता है। मुझे क्यों नहीं माफ कर रही? क्यों रवि, मुझसे नफरत क्यों करती है? मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती रवि? तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो हाँ कहेगी, तो फिर वो हाँ क्यों नहीं कह रही रवि? क्यों? मुझे अब भी विश्वास है, लेकिन सुनीति से ज्यादा मुझे तुम पे विश्वास है। अब मैं जानता हूं कि तुम उसे मना लोगे। मनाना तो मैं चाहता हूं, पर मैं नहीं जानता कि मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अभय, वो जानती है कि तुम उससे प्यार करते हो, वो इस बात को नहीं मान रही कि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम्हें उससे यही बात मनवानी होगी। लेकिन मैंने तो उसे वादा दिया था कि मैं उसे नहीं मिलूंगा, अब मैं उसे कैसे मिल सकता हूं? मत मिलो उससे, मत मिलो। हम भी उसे नहीं बताएं कि तुम उसके प्यार में कैसे तड़प रहे हो, उसके गम में कैसे जी रहे हो तुम। अगर वो पूछेगी तब भी नहीं, तब उसे डर लगेगा कि कहीं वो तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दे, और ये डर ही उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। बस नहीं मिलूंगा उससे, नहीं मिलूंगा सुनीति से, मैं कभी नहीं मिलूंगा। रवि, किसी ना किसी तरह समझा लूंगा अपने दिल को, मैं उससे नहीं मिलूंगा। मेरी सुनीति से नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तो क्या अभय सचमुच सुनीति से प्यार करने लगा है? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं है? वो सुनीति से शादी करना चाहता है? नहीं,
मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ये शादी। अभय मेरा है, मेरी शादी होगी उससे, सिर्फ मेरी। ये हवा कहां से है? चल, सारे दरवाजे तो बंद हैं। तरुण, मुझे रवि की बात ठीक लग रही है। हमें सुनीति से अभय के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन कब तक में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सारी उम्र बीत जाए और सुनीति को इस बात का एहसास ही ना हो। ऐसा नहीं होगा, वो अभय से प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो शादी करने से इनकार क्यों करती है? क्यों उसे जाके ये कह आई कि वो उससे नफरत करती है? अब तुम ही बताओ, शादी के लिए ना कहने की क्या जरूरत थी? इसी ना को हाँ में बदलने के लिए तो रवि ने ये जिम्मेदारी उठाई है। You are right, मिनी। सुनीति की ना को हम हाँ में दो दिनों में बदल सकते। दो दिनों में? हाँ, दो दिनों में। हमें बस ये खबर जाके सुनीति को पहुंचानी होगी कि अभय दो दिनों में हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा है और फिर कभी लौट के नहीं आएगा। तुम्हारा मतलब है झूठी खबर? ओहो, झूठी तो हमारे लिए होगी ना, लेकिन उसके लिए तो सच होगी। और अगर वो अभय से सचमुच प्यार करती है तो देखना उसकी ना को हाँ में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्यार तो वो अभय से करती है, वरना अभय के बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालने का फैसला वो नहीं करती। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि इस खबर को सुनीति तक कैसे पहुंचाए ताकि वो इस बात को सच मान ले। एक आइडिया है, वो अपनी दीदी और जीजाजी पे बहुत विश्वास करती है। अगर ये बात वो उनके मुंह से सुन ले कि अभय शहर छोड़कर जा रहा है, तो इस खबर पर वो विश्वास कर लेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जल्दी से फोन दो, मैं अभी उसके जीजा जी को फोन करता हूं। दो दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अगर पहले पति के होते हुए पत्नी दूसरी शादी करती है और पहला पति कोई एतराज नहीं करता तो कोई केस ही नहीं बनता। आपका मतलब है एक मैरिड वुमन तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर सकती है? वैसे तो ये कोर्ट ऑफेंस होगा ही, लेकिन अगर कोर्ट में जाकर कोई कंप्लेंट ही नहीं करता तो कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकती। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मालूम नहीं था मैम कि आपको इतनी जल्दी है कि आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। कैसी रिस्क मिस्टर चतुर्वेदी? किसी को कुछ नहीं पता कि दिनेश कहाँ है, उसका कोई पता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दिनेश जिंदा है या मर गया। आखिर कब तक मैं रुकूंगी? मैं आज शादी करूंगी। आज? जी हाँ, आज।
मैंने सुना है अभय शहर छोड़कर जा रहा है। अच्छा, और कर भी कर सकता है बेचारा। सो तो है, मुझे जरा चावल देना प्लीज। हाँ। कितने दिनों के लिए जा रहा है? कितने दिनों के लिए क्या, बेचारा हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? कौन? अभय। मैं क्या करूंगी जानकर, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि वो एक दो दिन में जा रहा है। एक दो दिन? इतनी जल्दी? अब उसने जाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर जल्दी क्या और देर क्या। लेकिन पता तो करना था कि एग्जैक्टली किस दिन और किस वक्त जा रहा है। क्यों, तुम क्या कर लोगे जानकर, और वैसे भी हमें कहां से सी ऑफ करने जाना है, अब हमारा उससे रिश्ता ही क्या रहा। अरे सुनिधि, खाना खा लिया तुमने? अरे खाना खा लिया है इसलिए तो जा रही है। वैसे दीपक, पूरी बात सुनने के बाद उठ कर गई है वो। लगता है हमारा तीर निशाने पे लगा है। मतलब तरुण का अंदाजा सही निकला, लेकिन आई होप उसने अभय को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। अभय को भी और रवि को भी। तुम्हें क्या लगता है रवि, तरुण का प्लान कामयाब होगा? जरूर होगा। अब तक तो जीजू और दीदी ने सुनीति को बता भी दिया होगा कि तुम शहर छोड़कर जा रहे हो, और सुनीति ने कैसे रिएक्ट किया ये बताने के लिए जीजू का फोन आता ही होगा। आ गया तो उठाओ। हेलो, तुम? हाँ मैं, तुम्हारी शीतल, याद है ना? हाँ हाँ, कैसी बातें कर रही हो शीतल। अरे मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ क्या? क्या पता, ना तुमने फोन किया ना मिलने की कोशिश की, क्या अब तक उलझे हुए उस पर्सनल प्रॉब्लम में? पर्सनल प्रॉब्लम्स? हाँ वही, जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए कि अब तक नहीं मिले हो। पता है मैं बहुत डर गई हूँ भाई, बहुत इनसिक्योर फील करने लगी हूँ। कम ऑन शीतल, तुम और इनसिक्योर? नॉट पॉसिबल, शीतल सिंघानिया कभी इनसिक्योर फील नहीं कर सकती। क्यों, क्या शीतल सिंघानिया एक औरत नहीं है भाई? और पता है, जब तक एक औरत की शादी नहीं हो जाती, उसका आदमी उसका नहीं हो जाता, वो बहुत इनसिक्योर फील करती है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुमसे शादी करने का भाई। शादी? हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भाई, तुमसे शादी करने। अरे पर शीतल। लेकिन क्या आप है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। पर अरे शीतल, अभी तक तुम्हारा डिवोर्स ही नहीं हो तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? That you don't worry, वो मैं हैंडल कर लूंगी। अब है, मैं तुम्हारा दूल्हे का जोड़ा लेकर आ रही हूँ, और फिर हम आज किसी मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। शीतल मेरी बात। बाय डार्लिंग। जानता था शीतल सिंघानिया ऐसा ही सोचे कि ऐसा ही करेगी। क्या करेगी? अरे भाई मुझसे शादी और क्या करेगी? What? कहती है कि अभी इसी वक्त यहां आ रही है मेरी दुल्हन बनके, अपने पसंद का दूल्हे का जोड़ा ला रही है, और हम फौरन मंदिर चले जाएंगे जहां हमारी शादी होगी। लेकिन ऐसे कैसे जल्दबाजी में? मैं कैसे बताऊं रवि, कहती है कि इनसिक्योर फील कर रही है। इनसिक्योर? उसे कहीं शक तो नहीं हो गया? शक यही कि तुम्हारे और सुनीति के बीच कुछ है। शक तो उसे उसी वक्त हो गया था जब तारा का फोन आया था, बस लकली तारा कौन है वो ये प्लेस नहीं कर पाई। अगर शीतल सिंघानिया को शक हो गया ना तो चुप नहीं बैठेगी, वो इस बात की तह तक पहुंच के रहेगी। पर वो कैसे पहुंचेगी, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे नहीं बल्कि सुनीति से प्यार करता हूं? कैसे? तुम समझ नहीं रहे हो बे,
यही पता लगाने के लिए तो उसने तुम्हें फोन किया और कहा कि मैं शादी करने आ रही हूं। तुम अगर सुनीति से प्यार करते हो तो शीतल से शादी करने से इनकार कर दोगे। सुनीति से तो प्यार करता हूं, मैं इनकार करूंगा, इनकार जरूर करूंगा, चाहे चाहे सुनीति मुझे अपनाए या नहीं। शीतल से शादी कभी नहीं करूंगा, पर यह बात मैं अभी उसे नहीं बताऊंगा। आने दो उसे यहां, बनने दो मेरी दुल्हन, लाने दो उसे मेरे दूल्हे का जोड़ा, चलेंगे हम साथ मंदिर में और वहां अग्निकुंड के सामने मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे नहीं बल्कि सुनीति से प्यार करता हूं, और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सुनीति से और किसी से नहीं। फिर मजा आएगा ना, क्योंकि तब उसी अग्निकुंड में उसके अरमानों को मैं जलते हुए देखूंगा। Thank you.